ऊपर गया है सारा का सारा, क्योंकि उसका बर्थडे ब्लॉग है। हैप्पी बर्थडे, जैसे कि आप डेकोरेशन देख रहे हो पीछे। और मैं इंट्रो स्टार्ट करना भूल गई थी कि मैंने कुछ स्टार्ट भी करना है, तो इसलिए इंट्रो मैंने अभी ले लिया है फुल रेडी होके। बाकी पूरा ब्लॉग अब इसके बाद देखोगे, तो चलो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बर्थडे हो गया है स्टार्ट, 12 बज गए हैं और कृष्ण जी भी पैदा हो गए हैं क्योंकि जन्माष्टमी थी और वो प्रातः श्री सो गया था, उठा है और पापा मेरे ब्लॉग में पापा मुश्किल से दिखते हैं। कटो 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 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear sister, happy birthday to you, God bless you. ये हो गई हमारी डेकोरेशन स्टार्ट। अभी ये बलून्स वगैरह भी हमने फुला दिए कुछ 12-13। अभी गोलू और लगा हुआ है, अभी इसमें हवा कम है शायद। आशु गई अपना एग्ज़ाम देने, जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 3 एग्ज़ाम हमारे साथ ही हुए थे, पर अब 2 या 3 और हैं जो कि हमारे अलग अलग होंगे। तो आज उसका एग्ज़ाम था, कल भी एग्ज़ाम था और आज भी एग्ज़ाम था बेचारी। तो अभी वो गई है एग्ज़ाम देने और 5:30 बजे तक वो आ जाएगी, क्योंकि हमारा इवनिंग की शिफ्ट थी, 2 बजे हमारा एग्ज़ाम था। और वो आने वाली, उससे पहले हम फटाफट अपना डेकोरेशन वगैरह फिनिश कर दें। हमने सोचा था कि हम बाहर जाएं, यहाँ पे रोहतक के अंदर तिलियार झील है, तो अभी काफ़ी अच्छी उसकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब वहाँ जू भी था, तो वो कह रहे वहाँ पे एनिमल्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, और तो काफ़ी टाइम से मन था। तो मम्मी ये कह रही हैं कि देखो यदि जाते हो तो ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो अपना देख लो कैसे। तो फिर मैंने सोचा मैं डेकोरेशन कर जाती हूँ, जो भी सिचुएशन लास्ट में अब हमारा आशु के आने पर डिसाइड होगी कि वो कितनी थकी हुई है, क्या वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही हम पागल ही है सच में, उसके बाद ही हम सारा फाइनल करेंगे कि भाई बाहर जाना है या फिर यहाँ घर पे। ऊपर से मयंक भी नहीं है, वो भी बाहर गए हैं, तो आज वो भी आशु के बर्थडे पे नहीं आ पाएंगे। तो उसका मेन तो यही था आशु का कि सारे ही हम एक साथ ही बाहर जाएं, तो वो कह रही है मैं 23 या 24 को प्लान बनाती हूँ, सब लोग बाहर चलते हैं। पर मेरा मन था कि आज भी चलते हैं, कोई बात नहीं उस दिन भी चल पड़ेंगे। तो फाइनल अभी देखते हैं, पहले मैं डेकोरेशन करती हूँ और आप देखो मैं किस तरीके से कैसे डेकोरेशन करती हूँ। दोपहर में हम, मैं और आर्यन जाके सामान लेके आए थे एक्टिवा पे, थोड़ी बहुत गेड़ियाँ मार के आए थे और खूब मज़े आए हमको। तो चलो वो बेचारा अकेला लगा हुआ है, तो करते हैं हेल्प और फटाफट डेकोरेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने डेकोरेशन करी। आप मुझे कमेंट करके बताया करो प्लीज़ 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 कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके बारे में आपसे पूछती हूँ कि वो कैसा लगा, तो बताया करो कि वो अच्छा है बुरा है, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, वो सारी चीज़ें। तो ओके,
आशु की डेकोरेशन कैसी लगी? तो पहले मैं इसको डेकोरेशन में अभी दिखा रही हूँ क्योंकि अभी उसके साथ ही मुझे केक लेके आना पड़ेगा, तो अलग से इतना अलग मुझे रखना ही नहीं पड़ेगा, इन चीजों को उसको दिखाना ही पड़ेगा, तो उसका रिएक्शन हम अभी कैप्चर करते हैं। आशु देख जल्दी आ, कैसा लगा? बिल्कुल जैसे मैंने सोचा, जैसे इंस्टाग्राम में पोस्ट देखती हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही है। वैसा ही है, मैं हमने बस कोशिश करी आर्यन और मैंने, और थोड़ी सी हेल्प मम्मी ने भी करी। कमाल दीदी, हैट्स ऑफ। अकेले ही कर लिए सब, अकेले नहीं किया मैंने तो, बैलून बैलून फुलाए हैं वैसे। आर्यन और मम्मी ने हेल्प करी है ये बलून्स वगैरह फुलाने में, बाकी सारा अरेंज किया फिर मैंने। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक नंबर है ये। तो गाइस हम हो गए रेडी, मतलब मैं बर्थडे के लिए पूरा ही रेडी हो गई। आशु अभी मतलब आपने सुन लिया होगा, कह रही अभी मेरे को मत दिखाइयो, ठीक है उसको नहीं दिखाएंगे अभी। अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए और मैं बर्थडे गर्ल को साथ ही लेके जा रही हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं। हमने अभी ले लिया है केक, जस्ट अभी हमने यहाँ से लिया है केक। अभी एक्टिवा मैं चला रही थी, बोलती है कि दीदी एक्टिवा में मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरे को चलाने की आदत हो गई, तो अब तू पीछे बैठ और मैं चलाती हूँ। आशु के बर्थडे की तैयारी, अब ये सुंदर सा प्यारा सा केक कट करने वाली है। वो मेरे अलावा वो सारी चीजें दिखाएगा, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें दिखाएगा, सिर्फ मेरे को छोड़ के। गोलू प्लीज यार, क्यों बकवास कर रहे तुम? मम्मी ये चीज कितनी अच्छी करी है अपनी बात। पहले पप्पू बेकरी वालों ने, नाइफ इसके अंदर ही है और कैंडल्स भी उसके अंदर ही है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो भाई चलते हैं। जितने भी अभी मेरे इस वीडियो में बकवास बकवास चीजें आएंगे ना, वो सारी इसने शूट कर रखी है, जो भी कैमरा लेके चल रहा है दिखा रही है। इसमें हैप्पी बर्थडे का भी टैग अबकी बार अलग है, काफी अच्छी चीजें करती है ना। ये है मेरी डेकोरेशन जो मैंने करी है आशु के लिए, सुंदर है ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी अच्छी लगी, और इस डेकोरेशन में आपको दिख रहा है कि मैंने सच में बहुत 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 ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और ये छोटे भाई ने ये सारे बलून तो उसी ने फुलाए हैं, बाकी चीजें मैंने करी है, मतलब ये टाई करना और चिपकाना वो सब, और थोड़ी बहुत हेल्प इसके अंदर। और गाइज ये वाला जो ब्लॉग है ये बड़े 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 दिन बाद आ रहा है, तो खूब प्यार खूब सपोर्ट देना इस ब्लॉग को। और मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एग्जाम के जस्ट बीच में मैं ये शूट कर पाऊंगी, पर मैंने फिर भी शूट किया है, तो प्लीज इस ब्लॉग को बहुत ज्यादा प्यार देना। अभी तक मेरे जितने ब्लॉग्स हैं उन पे आपने जो लाइक्स व्यूज दिए हैं उससे कई गुना ट्रिपल आप वो व्यूज दे सकते हो, ठीक है? मतलब देख सकते हो, और खूब सारा प्यार देना, और बस इतना ही करना, और तो क्या करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब हम बर्थडे गर्ल को बुलाते हैं यहाँ पे। सो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बड़े टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, थोड़ी थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ बीच बीच में। मैंने केक यहाँ पे रख दिया है और मेरी बहना अभी तक हुई नहीं है रेडी। माता श्री मेरी यहाँ पे है, प्राता श्री यहाँ है, और भाई सिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं पापा? बहना श्री। बहना, पापा बहना कहेंगे, कहाँ चले गए?
जैसे भाई को भ्राता बोलते हैं संस्कृत में ना, भ्राती, तो बहन को क्या बोलेंगे? भ्राती। हाँ जी, संस्कृत में बहन को बहन बोलेंगे, भ्राता, भ्राती, 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 भ्राती। हाँ। अच्छा, अभी ना उधर वाला एरिया सारा ऐसे खराब हो रखा, क्योंकि यहाँ से सारी चेयर्स मैंने हटा के उधर रख दी थी, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था काफी अच्छा। और मैंने ये जो बनाया ना, इसमें मेरे को नीचे तक स्टार्टिंग करनी थी, ऐसे नीचे से ना, इस वजह से मैंने सोफे इधर कर दिए, मतलब सारी सेटिंग इधर उधर सारी बिखरा दी है मैंने। तो आशु, कैसा लग रहा है आपको? आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन पसंद आई है? केक कैसा लगा है? वो तो तू मेरे साथ ही लेके आई है। कुछ बोल ले भाई, आज तेरा बर्थडे है, स्पीच दे। अंग्रेजी का पेपर दे के आई है तू, आज इंग्लिश का पेपर था तेरा। कैसा एग्जाम हुआ तेरा? अच्छा हुआ। आज एग्जाम की एग्जाम की टेंशन, और उसके साथ साथ फिर ये क्या कहते हैं, बर्थडे तेरा अच्छा रहा। मेरा सब कुछ अच्छा रहा, जैसे अरे वाह, मेरी ब्लॉगर बहन। अब सारे बर्थडे विश भी कर रहे थे और तो डबल डबल चीजें इसके साथ थी, तो एग्जाम तो अच्छा होना ही था। तो चलो अब हम एक बार फोटोज ले लेते हैं, और उसके बाद हम वापस आते हैं। इसी की स्नैप बनानी है क्या? नहीं, केक खड़ी। अच्छा, मेरे को लगा इसकी स्नैप बनानी है। तो भाई मम्मी आशु की आरतियां उतार रही है, बता आशीर्वाद दे रही है ना मम्मी। ये मम्मा हमारे हर बर्थडे पैसे इनको तेल लगाती है और हमें आशीर्वाद देते हैं। यस, बैठ जाओ बिल्कुल। ओके, 1 2 3 साथ स्नैप स्टार्ट करो। मम्मी आ गई है, तो मम्मी साइड हो जाओ एक बार। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर आशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, मम्मी का हर बार केक नीचे जरूर गिरता है। आजो पापा जी, हाँ जी भाई, अरे गोलू, हाय हाय, जा हाथ धो के, अब हमें खिलाएंगे अभी नहीं हाथों से। वेरी गुड, एक नंबर लड़ाकू विमान है ये। किसको खिलाना दीदी? किसको खिला, मतलब जो इतनी तैयारियां करके बैठी है उसको याद ही नहीं कहती, और किसको खिलाना है? तो गाइस, हो गया है बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट, अब खाना पीना हो गया है, और अब हम थोड़ी देर मूवी देखेंगे। थोड़ी देर नहीं, मतलब आज का हमारा प्लान है, रात को हम काफी देर तक मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और उसके बाद 2-3 बजे फिर हम सो जाएंगे। तो आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। काफ़ी दिन बाद व्लॉग आया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग को आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो, बहुत सपोर्ट करने वाले हो। और जो मेरे सब्सक्राइबर शायद व्लॉग की वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था तो रुक गए थे, तो वो एकदम इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो प्लीज़ जो मैं सोच रही हूँ उसको बिल्कुल सही कर देना, और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि अब व्लॉग बैक टू बैक दूंगी 24 के बाद, और ये वाला व्लॉग आपको, आशु का बर्थडे है 20 को, आज 20 है, तो ये व्लॉग मे भी आपको कोशिश करूंगी कल मिल जाए, वरना 24 के बाद 25 को तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है ये व्लॉग। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।